Assalamu alaikum, dear students of class 3rd. Hope all you are well by the grace of Allah. Dear students, Merry Math 3rd. Hum page number 20 ka humne kiya. Dear students, kal aapko yaad hoga, yahan tak humne page number 20 pe ye jo yahan minus plus ye इसका ऐड किया था हमने, तो उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि जो हमने पहले एक डेढ़ महीना जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने सीख लिया, तो उसके हिसाब से बुक का वर्क जो है वो आसान होगा करने में. थोड़ा सा मैं आज आगे चलूँगा. आपको यहाँ 26 है, ये इज इक्वल टू 75, प्लस क्या करोगे आप इसको, ये 75 बनना चाहिए. ये 100 है, इसको आप क्या प्लस करोगे, तो यहाँ 100 बना, यानी इसको यहाँ इक्वल टू दिखाया है. तो अगर आपको मैं यहाँ मैथ पे भी थोड़ा दिखाऊं, तो आप अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ, कल मैंने आपको कॉपी पे दिखाया था, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉपी जहाँ आज हमें डेट 21 मई है, फ्राइडे, क्लास 3rd, सब्जेक्ट मैथ. तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था ये वनस है और ये भी वनस, इसी को करना है. तो ये कल आपको मैंने दिखाया था, यहाँ इसको हमें करना है. तो ये मैंने दिखाया था किस तरीके से हम ये कर सकते हैं. यहाँ भी आपको याद होगा, ये हमने दिखाया था. तो आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है 45 प्लस, आपको कुछ खुद ही करना है, इस डब्बे में लिखना है, इज इक्वल टू 99. तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको 54 करोगे, 549, ठीक है. आप इसको देख, आपके पास है 100 इज इक्वल टू 50, यानी इसको आप फिर 50 करोगे, ये 100 बनेगा, ठीक है. आप इसको देखें, ये आपके पास खाली डब्बा है, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो आप इसको 2 करोगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है. उसके बाद आपके पास 57 माइनस, आपको यहाँ खुद ही लिखना है, इज इक्वल टू 20, यानी आप इसको 37 करोगे, फिर आपको 20 यहाँ बचेगा, ठीक है. अब आपको यहाँ 26 है और 43 है, 26 को ब्रेक करना है आपको, 20 अलग, यानी वन्स अलग निकालना है, टेन्स अलग, वन्स अलग और टेन्स अलग. फिर आपको यहाँ ये तरीका दिखाया गया है, वी ब्रेक इनटू 20 इनटू प्लस 6, ये आपको ब्रेक करना है. तो दिस इज़ आंसर, यहाँ आंसर निकलेगा. अब आपको यहाँ और 33 और 56 है, टेन्स को अलग किया गया है और वन्स को अलग किया गया है, फिर वन्स को वन्स के साथ ऐड किया गया और टेन्स को टेन्स के साथ ऐड किया गया. अब हमें यहाँ दिखाया गया है 37, 22, 30 को अलग कर दिया गया, 20 को अलग कर दिया गया और वन्स को अलग कर दिया गया. तो फिर इनका हमें ऐड करना है, ठीक है, इसमें ऐड हमें करना है. फिर जब हम इसको ऐड करेंगे, जब आप इसको ऐड करोगे, ये आपको क्या आएगा वो आपको सारा इसमें करना है. इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसमें दिखाऊंगा, ये थर्टी सेवन प्लस 22 इज इक्वल टू 30 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 2. जब आप इसको यहाँ से करोगे, 30 को आपको 20 से करना है, इसको आपको यहाँ से करना है, तो क्या आएगा आपको, वो इज इक्वल टू आएगा 30 इंटू 2 आएगा 50, ठीक है.
प्लस 7 इंटू 2 आएगा 9, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ आएगा 50 प्लस यह आएगा 59, ठीक है। इसी तरह आपके पास 73 प्लस 24 इज इक्वल टू, आपको लिखना है 70 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 4, यानी ब्रेक आपको करना है इसको, वनस को अलग करना है, 7 को अलग करना है, फिर आप 70 को इसके साथ 20 के साथ करोगे और 3 को 4 के साथ करोगे, वो बराबर आएगा 70 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ऐसे करना है, यहाँ जैसे 30 प्लस 20, इसमें 7 प्लस 2, तो यहाँ 3 प्लस 4, तो फिर आएगा 70 प्लस 90 प्लस 7, ये आएगा 97, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको और ये खुद ही करना है, इसको आप कर लेना, फिर आपको इसका भी आंसर मिलेगा, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।